हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज सफाई का सेकंड डे है और सेकंड डे में मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, 9:30 बजने भी आई है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में झाड़ू बर्तन, चाय के बर्तन वगैरह होते हैं, तो पहले वो काम निपटा देती हूँ। और साइड में थोड़ा बहुत कल का काम अधूरा भी पड़ा था, जैसे पुराने कपड़े हैं तो वो मैंने निकाल के और रखे हैं, वो लेके जाएंगे और गार्डन में किसी को देंगे, उधर इनके उधर कोई काम करता है तो वही मैंने कपड़े निकाल के रखे हैं। और यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट को वॉश कर लिया है, सुबह सुबह एक काम तो ये कर लिया है, दिखाती हूँ आपको। सेकेंड ब्लैंकेट धो दिया है आज, बड़े बड़े दो ही ब्लैंकेट है हमारे पास, तो ये दूसरा वाला भी आज मैंने धो दिया है हम दोनों ने मिलके, क्योंकि इतना बड़ा मेरे से धुपता नहीं है। तो गाइज, दूसरा ब्लैंकेट भी आज हमने धो दिया है और बाकी छोटे छोटे होते हैं वो मैं धो लेती हूँ, जैसे तुषांत के हैं, और सिंगल सिंगल होते हैं ना तो वो भी मैं धो लेती हूँ, तो वो मैंने धो के रख दिए थे साइड में और यही धोने बाकी थे तो इनकी हेल्प ली मैंने। और अभी काम हमारा बाकी है, सफ़र स्टार्ट करनी है जब तुषान के पापा नाश्ता करके, और अभी नाश्ता करेंगे हम दोनों, फिर ये दुकान चले जाएंगे और मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी, नहीं तो पूजा पाठ का काम रहता है, किचन में ही भगवान बिठाए हुए हैं तो उधर मतलब सुबह मॉर्निंग में पूजा पाठ का काम रहता है, तो इसलिए मैंने सफाई को नहीं छेड़ा है। क्या सफाई छेड़ते हैं तो आपको पता ही है, चारों तरफ बिखेरा ही बिखेरा, कुछ भी समझ नहीं आता कि कहाँ क्या रखे, इसलिए शांत दिमाग से करूँगी कि अभी 9:30 ये चले जाएंगे और तुषांत को टीवी लगा के बिठा दूँगी, खेलता रहेगा, खिलौने दे दूँगी और मैं मेरा काम करती रहूँगी। तो चलो कंटिन्यू रखते हैं व्लॉग को, आगे से आगे पूरा व्लॉग को देखिएगा, नो स्किप किए बिना, ठीक है? यहाँ पर ये तुषार हाई कर रहा है आप सभी को, ये देखो, ये काम भी करवाएगा, काम भी बढ़ाएगा और थोड़ी मस्ती भी करेगा, है ना तुषी? चलो मम्मा काम कर रही है, चलो चलो काम कर रही है मम्मा, जाओ देखो अभी इसको खेलना है मेरे साथ, गिरो 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 गिरो, तुझे गिरो, उधर से देखो, इधर बैठना है इसको, क्या करेगा इधर बैठ के?
तो गाइस यहाँ पर मैंने सब खाली कर दिए हैं एक एक करके और सब कुछ निकाल दिया है इनमें से। और अभी आगे मैं आपको बताती हूँ सारे खाली के मैंने कितने खाली कर दिए हैं। सारे के सारे रेक पे जो भी रखा हुआ था वो सारे के सारे खाली कर दिए हैं। गाइस यहाँ पर ये मैंने पूरा बेसिन भर दिया है और डब्बे खाली कर दिए हैं के पूरे। और यहाँ पर मैंने सारे जो भी उस डब्बे में थे वो भर भर के यहाँ पे रख दिए वापस। और जब ये डब्बे सूख जाएंगे धो दूंगी पहले और सूख जाएंगे ना तब वापस इसमें भर दूंगी। तो यहाँ पर ये मैंने पट्टी साफ कर दी है और इस पे वापस जब सूख जाएंगे तो वापस उसमें भर के और वापस रख देंगे। और जिसकी ज़रूरत नहीं है ना आधे डब्बे में मतलब हटाने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत सारे इसमें थोड़ा थोड़ा करके कुछ डाला हुआ था। अब मुझे इतना मतलब बिखेरा नहीं चाहिए तो साफ करने में, एक एक डब्बे को क्या साफ करे। थोड़ा थोड़ा कुछ डाला हुआ था तो वो भी मैंने खाली कर दिया है, जो खराब हो गया था वो मैंने बाहर फेंक दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने लगवाई, ये मैंने मीशो से मंगवाई है, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट सब पे मिलती हैं। अगर आपको भी मतलब स्टोरेज के लिए ऐसा कुछ चाहिए तो आप ले सकते हो, ये मैंने मीशो से मंगवाई थी।
तो गाइस किचन की सफाई हो गई है, अभी तक आधी हुई है, आधी होने बाकी है। ये टाइल्स साफ़ करनी है किचन की, इसको तो मैं धोऊंगी एकदम साफ़ साबुन रगड़ रगड़ के और ब्रश रगड़ रगड़ के। और ये मेरे को जो लाइट बोर्ड है ना, ये भी बहुत गंदे होते हैं, इतने गंदे होते हैं ना। और ये जो रेक है ना, ये भी मतलब इसको भी मैं साफ़ करूँगी। ये जो स्टील वाले डब्बे दिख रहे हैं आपको, ये मैं ना मतलब साफ़ कर चुकी हूँ, 2-3 दिन पहले ही मैंने इनको धो दिया था। और बाकी तो डेली वेयर बर्तन है, उसको मैं साफ़ करती रहती हूँ, जैसे मिक्सी यूज़ में लेते हैं तो उसको भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो कोई बात नहीं, ये बर्तन बाहर लेके कल इस रेक को अच्छे से साफ़ कर देंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब